खेथराई नरेश को पब्लिक पूरी तबियत से खोज रही है, और ये बात मैं सिर्फ इमोशन में नहीं कह रहा हूँ, लिटरली खोज रही है। पठान का ट्रेंड आपके सस्तक न्यूज में किया गया था। गौतम गाना कुछ कह थी लाल सिंह चड्डा के जैसे चड्डी उतर लियो हल न, वैसे ही पठान के हाल कर भाई। हकला हकला का फिल्म देखेंगे, हकला हकला को एक्टिंग आता है। तो सुनो बाबू, जिस समय से तुम हकला के पप्पा कहना नहीं सीखोगे ना, उस समय से इस हकले की दीवानी पूरी दुनिया थी। देखो भैया, पठान तो सुपर डुपर हिट है, 2 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा का कमाई कर चुका है, और सिनेमा हॉल्स की स्थिति क्या है आपने देखा है। करोड़ लोग बॉयकॉट कर ले, शाहरुख खान को बाहर नहीं ला सकेगा। लेकिन आजकल कुछ लोग गायब हैं, जो कल तक पठान का बॉयकॉट करने की पूरी मुहिम चला रहे थे। अब बिहार वाले तो कुछ तुटपुंजिया और भी गायब है। वो कहते ना आजकल क्या बोलते हैं उसको, जिनका फॉलोवर बहुत ज्यादा होता है, सेक्सी सा बड़ा कुछ, हाँ इन्फ्लुएंसर। ये इन्फ्लुएंसर ना इससे अपने आप को समझने लगे हैं आजकल, कि वो जो कह देंगे, जो डिसाइड कर देंगे आपको, जैसे जिस राह पे ले जाएंगे आप चलने लगोगे। वो कहेंगे तो खाओगे पियोगे हंसोगे, किसके साथ घूमना है, किसके साथ रोना है, बैठना है, जाना है, सोना है, सब बताएंगे आपको, क्या देखना है। तभी तो कल तक वो इसका हल्ला मचाए हुए थे कि जिस तरह से लाल सिंह चड्डा का चड्डी उतारा था ना हमने, पठान का वही करने वाले हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं कि आज उनका ही क्या हाल हुआ है। जी मैडम, स्वागत है आपका सच बिहार में, और मैं हूं सुमित कुमार। पठान रिलीज होने के बाद में ही बिहार के पब्लिक ना कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर कम पत्रकारों को खोज रही है बहुत तबीयत से। उनमें से एक है हमारे फेवरेट, ये भाई साहब, इनका नाम बताने की हमको नहीं लगता कि जरूरत है, थेथराई नरेश, उन्हें हम प्यार से कहते हैं, आप चाहे जो कहते हो। थेथराई नरेश को पब्लिक पूरी तबीयत से खोज रही है, और ये बात मैं सिर्फ इमोशन में नहीं कह रहा हूँ, लिटरली खोज रही है। देखिए तो जरा, मैं काउंटर करना चाहूंगा। अरे भाई, ये मैं भाई बात करें, मैं काउंटर करना चाहूंगा। आप पठान पे बहस करने आए हो, पठान की बहस करो भाई, पठान की बात कीजिए। बायकॉट पठान का ट्रेंड आपके सस्तक न्यूज में किया गया था, स्क्रीनशॉट है, दिखा देंगे, मिलने का सही बात है। आप ना जानते हैं, विद्या कसम कह रहे हैं, दीदी पे ना हमको बहुत तरस आने लगा है। अब बताइए ना, ये दीदी को भी सोचना चाहिए, कितना 6,000 के लिए आप बेगारी करोगे, हर गलती में हर कुछ करता है ये भाई साहब थेथराई नरेश, और ये दीदी को आगे कर देता है। फिर बेचारी गाली बात सुनती है, घर चली जाती है। ये अच्छा बात थोड़े है, BSSC वाले में भी यही हुआ था। अब फिर से पठान वाले में यही हुआ। ये जानते हैं क्या क्या रही है, सुने आपने कि हम लाल सिंह चड्डा का बात कर रहे थे, लाल सिंह चड्डा का तो हमारे वजह से ही हुआ, और इसका जो विरोध हुआ इसी की वजह से ये फेमस हुआ। बेवकूफ, कि विरोध करते काहे हो से बताओ। दूसरी बात, ये भाई साहब मनीष कश्यप जो है ना, इनकी हरकतें आपको मालूम है कि शाहरुख खान के बारे में ये किस तरह की बातें करते हैं। हालांकि शाहरुख खान पहला व्यक्ति नहीं है जिसके बारे में इस तरह से बात करता हो ये व्यक्ति, और भी कई सारे, चाहे वो क्रिकेट हारने के बाद वो विराट कोहली हो, और लोगों के खिलाफ कैसे किस तरह की बातें करता है आपने सुना ही है। तो सबका इनको कहता है ये गुटका छाप एक्टर, हालांकि वो गुटका का ऐड करते हैं उससे सहमति मैं भी नहीं रखता हूँ, या किसी को भी नहीं रखना चाहिए, कि इतने बड़े एक्टर जिनको इतना पब्लिक प्यार देती है गुटका का ऐड करता, वो अच्छी बात नहीं है। लेकिन एक और वर्ड कहता है ये हकला, हकला का फिल्म देखेंगे, हकला हकला को एक्टिंग आता है। तो सुनो बाबू, जिस समय से तुम हकला के पप्पा कहना नहीं सीखोगे ना, उस समय से इस हकले की दीवानी पूरी दुनिया थी। साल 1995 से लेकर आज तक DDLJ कोई नहीं भूला। सदाबहार समझते हो, एवरग्रीन कंटेंट, शाहरुख खान के मूवी सैकड़ों ऐसे हैं, चक दे इंडिया जो कहते हो ना, जो गाना सुनते हो ना हमेशा किसी भी जीत पे, वो उसी की मूवी की है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आज तक 1995 से महाराष्ट्र का मराठा मंदिर जो सिनेमा हॉल है ना मुंबई का, उसमें लगा हुआ है। उतनी एज नहीं होगी जितने साल से वो सिनेमा हॉल में चल रही है वो मूवी, ये हाल है। और उन्हें कहने चले हो हकला, इन्हें बेसिकली ये लगने लगा है
कि इनका जो तुक्का एकाध बार काम कर जाता है उससे उसी के अराउंड पूरी पब्लिक चलती है। अब लाल सिंह चड्ढा वाला बात समझिए कि लाल सिंह चड्ढा का विरोध होने के से क्या मूवी नहीं चली, तो ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि उसका ओरिजिनल वर्जन जो फॉरेस्ट गम है उसे कई लोगों ने देख चुका है, और हालांकि वो भी बहुत सुपर डुपर इस तरह से इंडिया में पसंद किए जाने वाला मूवी नहीं था। तो कई लोग इस तरह के मूवी शायद नहीं देखे, मैं भी नहीं देखा हूं अभी तक लाल सिंह चड्ढा। इसका मतलब ये तो नहीं कि इनका विरोध का असर मेरे पर भी था या ऐसे कई लोग पे था। अच्छी मूवी हमेशा चलती है चाहे आप कितना भी विरोध कर लें, और पठान के साथ वही है। हाइप से पठान एक दिन चल सकता था, थोड़ा बहुत चल सकता था, लेकिन अभी भी सिनेमा हॉल्स में अगर इतना तेजी से चल रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं एक एक्शन मूवी के तौर पे, तो इसमें किसी का विरोध या सपोर्ट से कुछ नहीं होना जाना है। ये इन्हें बात समझ में आनी चाहिए। बेसिकली इन्हें पब्लिक समझा भी दे चुकी है, पब्लिक वो बॉलीवुड स्टाइल में कहते हैं ना कि तुम पब्लिक को इन लोगों ने यही समझा था कि बेसिकली अपना कुत्ता, ये कहे तो काटे, ये कहे तो भोंके, ये कहे तो सूंघे, सब कुछ। लेकिन पब्लिक भी बता दी है कि भाई साहब हम पब्लिक हैं, कई रोड छाप को हमने स्टार बनाया है तो कई स्टार को भी रोड छाप बना दिया, और यही हाल कुछ इनका होने वाला है अभी। अब इनका बात तो कर लिया, ये थेथराई नरेश का, इनकी हरकतें ये जानते हैं आप कि किस तरह से ये हर जगह अपने आप को सामने ला के और समझते हैं कि यही सब कुछ है। लेकिन पठान ने जो तमाचा लगाया है अभी तक निकल के आए नहीं है, अपने इसी रिपोर्टर को बाहर भेजते हैं जो गालियां सुनने पे मजबूर है। और पता नहीं इन्हें क्या कौन सी शौक है 6-7 हज़ार में गालियां सुनने की, हमें तो नहीं पता। अगर कोई मदद चाहिए होगा बहन तो प्लीज़ बताना, कुछ करेंगे हम लोग। माइक वाइक अपना लो, अपनी रिपोर्टिंग करो, अच्छे रिपोर्टर बन सकती हो, यहाँ तो पत्रकार बनने से रही ना कोई चांस नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा ये भाई साहब, इनका नाम है, इनका चैनल है मगहिया जवान। आप समझिए कि ये करते क्या है, तो ये पत्रकार है, नहीं वो तो पार्ट टाइम है, ये एक्टर है, एक्टर एक्टिंग करते हैं, नहीं वो तो एक आधी मूवी में किया है, एक आधी एल्बम गाना गाते हैं, वो तो लॉन्च ही नहीं हुआ उतना ज़्यादा, एक आध दो आया है, करते क्या है ये लोग। सब इनका काम पार्ट टाइम है, ये पार्ट टाइम पहन हाफ पैंट पहन के पत्रकारिता भी कर लेते हैं, ये गाना भी गा लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनका फुल टाइम मेन काम जो है वो गरियाना, ये गरियाते बहुत बढ़िया हैं, तो फुल टाइम इनका गरियाना ये समझ लीजिए। और एक कहावत है कि जब आप गंदगी बहुत ज़्यादा होना तो गंदगी में उतर के ही साफ करना पड़ता है। जाना एखनी का करे कोशिश करी थी, एखनी करे कोशिश करी थी कि एखनी जो कही था तू ना सब सुन, कहे कि एखनी आखिरी सच बोला थी, बाकी सब तो सब झूठ थी, सब बेवकूफ़ ही है हमनी सब, जब सब जो तोनी सब पढ़ला है लिखला है ये सब पागलपन हवा, एखनी जो कही था तू ना सब सही है। ये गौतम गाना कुछ कह थी लाल सिंह चड्ढा के जैसे चड्डी उतर लियो हल ना वैसे ही पठान के हाल करबे। अब बतावा कि इंखर कहे और ना कहे से कोनो मूवी देखे गेला है आज तक ना, सच सच बताइए मगध के लोग तोहनी साहब कि कितना मूवी देखला है केकरो कहला से। ये सब अब तय करता थी कि तुहनी कौन सा मूवी देखवा या कैसे पूजा करवा से, यहाँ के इखनी के दिल के कौन ये जाना। भोजपुरी में सुधार के बात कर रहा थी, अब मगही में कैसन कैसन गाली दे थी सुन रहा हूँ। ये जब दोनों के बात कर ली हम अभी, मगहिया जवान और मनीष कश्यप, एखनी के 60% वीडियो ऐसा है ना जो फैमिली साथ अपन परिवार लोग साथ देखो देख ना सका तोहनी बैठ के, ये हाल एकर ये हाल अवा। तब तोहनी के सोचे लावा कि अपन बाल बुतरू सबके एखनिए जैसन पढ़ा लिखा के बनावे लावा कि बढ़िया नागरिक बनावे लावा, काहे कि एखनी जो करा थी एखनी से जरा पूछिया हूँ किसी दिन वीडियो में कमेंट करके कि का जो तोहनी सब करा वो सब बाल बच्चा के हम अपन देखावा तो बढ़िया करी अपन लाइफ में कि ना। इनके हाल जो है उन पे छोड़ दीजिए, बस आप सतर्क हो जाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बाकी अपनी राय क्या है ज़रूर दीजिएगा। पठान एक मूवी है, आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, लेकिन इस तरह की बहकावे में मत आइए। हम उस बिहार से हैं जिसके पर कैपिटा इनकम 50,000-60,000 है, औकात नहीं है यहाँ के 60-70% लोगों की कि मूवी हॉल और सिनेमा की बात भी कर सकें, टिकट खरीदने की हैसियत नहीं है। तो यहाँ पे ये सब बात बेकार नहीं है क्या, ये लोग करते क्यों हैं ये समझिए ये कि बकवासबाजी इनको करके मिल क्या रही है, इनको मिल रही है हाइप जो इन्हें चाहिए अपने वीडियोस चलाने के लिए। तो आप इनके हाइप और नफरती वीडियोस का आपको भी पार्ट होना है क्या, बस ये ध्यान दीजिए।
खोजिए, हम भी खोज रहे हैं इन्हें कहाँ हैं आजकल घुसे हुए। नमस्कार।